सो हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू सीरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक। सो ये लास्ट जो सेकंड लास्ट यूनिट है जो कवर हो जाएगी आपकी जल्दी ही, इसके बाद एक और वीडियो आएगी उसके साथ। सो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic that is job enlargement. Job enlargement क्या है, इसकी meaning क्या है और importance क्या है। Job आपको पता है जो भी आपके role responsibility organization में, वो enlargement मतलब large समझ रहे ना, और बढ़ाना। तो मतलब आप job में जब और ज्यादा task responsibility add करते हो, उसके scope को और बढ़ाते हो, वही होता है आपका job enlargement. Job enlargement refers to expanding the scope of job by adding more task and responsibility to it. The goal is to provide employees with broader range of activities to perform their within their current role. आपको एक काम दिया गया, उसके साथ मैंने 10 काम और दे दिए, आपका जो जॉब का स्कोप है और बढ़ा दिया, ठीक है। This is what this is job enlargement. अब आपको this approach aim to counter the potential monotony and boredom. देखो, जब आपको लगता है एक ही टास्क बार बार करना पड़ रहा, बार बार वही टास्क करना पड़ रहा है, अब आपको और ज्यादा टास्क भी दे दिए गए, अलग अलग तरीके के टास्क दे दिए गए, तो अब आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अब आप जिसमें आपको मजा आ रही वो करूँ, जैसे मैं आपको कह दूँ रोज मैथ्स पढ़ो, बोर हो जाओगे आप। मैं कह दूँ सोशल स्टडी, मैथ्स, जीके, जीएस सब पढ़ सकते हो, और भी देखो, तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब यहाँ से बोरें तो वो वाला काम कर लिया। तो ये एक तरीका है जॉब इनलार्जमेंट का, एडिंग वैरायटी, वैरायटी ऐड करते हो, अलग अलग टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो करंट जॉब के साथ। ये टास्क जो हो सकते हैं वो सिमिलर स्किल लेवल के होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी एज एग्जिस्टिंग, मतलब ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा टास्क दे दिया जो उस जॉब के जो जिस चीज के लिए उसने अप्लाई किया उसके बिल्कुल बियॉन्ड हो, नहीं उसी स्किल लेवल के ही, उसी कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल के ही और एडिशनल टास्क दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइडर स्किल यूज। यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो ब्रॉडर सेट ऑफ स्किल यूज करे, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो अलग अलग और भी स्किल किसी एक्टिविटी में लगेगी। तो क्या होगा, आप सिर्फ नैरो नहीं रह जाओगे कि एक ही टास्क करना है, उसी की फीलिंग है बस, कुछ नहीं, मोनोटोनी, बोरिंग है, नहीं, बहुत सारे टास्क आपको यूज करने हैं, बहुत सारे स्किल्स आप यूज करोगे, सीखोगे, तो ये आपको ये एक चांस मिलता है कि आप अलग अलग स्किल का यूज कर पाओ। बोर्डम रिड्यूस करेगा, ऑफकोर्स बोर्डम नहीं होगी, आप बोर नहीं फील करोगे, मोटिवेशन आपका कम नहीं होगा, जब अलग अलग टास्क मिल रहे हैं, चैलेंजिंग एक्टिविटीज मिले तो आप खुश होगी और अच्छे से करोगे। इनहैंस इंगेजमेंट, अब देखो अगर बोरिंग है इन तो मोनोटोनस होगा, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट हटेगा काम से, लेकिन अगर आप जॉब में और टास्क ऐड करते हो तो उसके लिए वो वर्क इंटरेस्टिंग बन सकता है, पॉजिटिवली इंपैक्ट आपको उसकी परफॉर्मेंस पे उसका देखने को मिलेगा। लास्ट है ट्रेनिंग नीड्स, एम्प्लॉय टेक्स ऑन न्यू टास्क, दे माइट रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग की भी जरूरत हो सकती है जब आप उसको नए टास्क एक्टिविटी दे रहे हो सकता है कि उसको सिखाना भी पड़े, तो फिर वो नई स्किल सीखेगा, नए डेवलपमेंट होगा उसका, ताकि उस टास्क को परफॉर्म कर पाए। तो जॉब एनलार्जमेंट में ये है कि जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है और इसके फीचर्स में आप ये लिख सकते हो, या आ जाए जॉब एनलार्जमेंट सिंपल, तो आप थोड़े ये पॉइंट लिखो कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें हैं, वेराइटी आप ऐड कर रहे हो, स्किल का ज्यादा यूज होगा, बोरिंग नहीं होगा, इंगेजमेंट इनहेंस होगी, और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा जॉब एनलार्जमेंट, बहुत ही स्मॉल टॉपिक था, आई होप कि आप समझ पाए हैं। कोई डाउट है से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू।